पैदा हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में ट्यूबवेल में एक बच्चा अगर गिर जाए, अब तो टीवी वाले समय नहीं निकालते हैं, लेकिन पहले तो सारे टीवी कैमरा वहीं हो जाते थे। अब वो सांस ले रहा है, आंखें हिला रहा है, आर्मी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, नेता लोग आए हैं, लेकिन लोग नेताओं पर गुस्सा कर रहे हैं, ये सब आपने देखा होगा। करीब 24 घंटे 30 घंटे जितनी देर निकालने में लगती थी, लाइव कमेंट्री चलती थी। और मैंने देखा था परिवारों में माताएं टीवी से हटती नहीं थी, खाना नहीं पकाती थी और रो पड़ती थी कि बच्चा जिंदा निकला कि नहीं, बच्चा जिंदा निकला कि नहीं। ये पूरे देश में हमने याद होगा ये दृश्य आपको, एक बच्चा ट्यूबवेल में मर रहा है या मरने की संभावना पैदा हुई है, देश को बेचैन बना देता है। लेकिन हमें पता है गंदगी के कारण, गंदे पानी के कारण, गंदगी के बीच रहने के कारण पर डे 1000 बच्चे मरते हैं, 1000 बच्चे। अब मुझे बताइए कि स्थिति हम कब तक चलने देंगे? एक गरीब परिवार को गंदगी के कारण फैली हुई बीमारियों का औसत एवरेज 7000 रुपीज खर्च आता है जी। अगर उसके जीवन में 7000 रुपया बच जाए, मतलब कि एवरेज महीने का 500 रुपया बच जाना। अगर हम इस सारे विषय को इस रूप में देखें तो पता चलेगा भाई हमें कोई अधिकार नहीं है गंदगी करने का, ये हमारा दायित्व है। और ये काम ये सरकार नहीं करती, वो म्युनिसिपैलिटी नहीं करती, वो विवादों से, अगर देश को सचमुच में गांधी जी को याद करके काम करना है तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा, शुरू में जिसने जो आलोचना करनी थी कर ली, जुड़ सकते हैं जुड़े, नहीं जुड़ सकते हैं तो हम इसका मजाक न बनाए जी। मुझे याद है काशी में ये 80 घाट को आपने अवार्ड दिया, वहां एक प्रभु घाट है, एक नागालैंड की बच्ची जो काशी में आकर के पढ़ रही थी और उसको उसके में मन लग गया, वो प्रभु घाट की सफाई में लग गई। धीरे धीरे यंग जनरेशन जुड़ती गई, आप जाके देखना प्रभु घाट क्या सफाई की इन बच्चों ने, सारे यंग जनरेशन है, BHU के स्टूडेंट जाते हैं सफाई करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्या मजा आता, सुबह जाके वहीं जाकर के कुछ गंदी फेंक करके आ जाना, और ये रो पड़ती थी कि इतनी मेहनत की, देखिए गंदा कर दिया, फिर उठाती थी फिर साफ करती थी। कितना कमिटमेंट होगा, जब मैं अभी उन लोगों से सब नौजवानों से मिला, मेरे लिए इंस्पिरेशन था, कैसा बदलाव आ रहा है। अभी बेंगलोर के एक स्कूल के बच्चों ने एक ऐप बनाई है, और अमेरिका में एक कंपटीशन में उनको इनवाइट किया गया और वो अवार्ड जीत करके आई है। ऐप क्या है, आपका कूड़ा कचरा लेने वाले के लिए भी उसमें जगह है और देने वाले के लिए जगह, एक मार्केट खड़ा कर दिया उसने ऐप के द्वारा, और सभी 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे हैं बेंगलोर के एक स्कूल के, अभी अमेरिका जाके अभी अभी आए हैं, उनको अवार्ड मिला है। यानी इतने प्रकार के लोग इस काम में लगे हैं। मुझे कल